नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ एश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। सक्ती में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही देवांगना धर्मशाला में ही सामूहिक रूप से गुरु व्यास के पूजन का आयोजन किया गया है। साथ ही इस अवसर पर ही भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, जो की नगर के चौक चौराहे से ही होते हुए व्यास पर पीठ निकाली गई है, जहाँ पर सभी शिष्यों ने गुरुजनों का पूजन कर ही भागवत आचार्य राजेंद्र शर्मा से देव कृष्ण महाराज की मार्गदर्शन में अपने अपने गुरु को वस्त्र श्रीफल और भेंट कर आशीर्वाद किया है। बताना चाहेंगे कि भागवत आचार्य राजेंद्र शर्मा और भोले शंकर तिवारी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर ही आचार्य राजेंद्र शर्मा ने टॉप 10 बच्चों को यहाँ पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मोमेंटो देकर ही सम्मानित किया है। इसके साथ ही गुरु पूजन के पश्चात ही भव्य आरती और भंडारा प्रसाद का आयोजन भी किया गया है। आदिकाल से सनातन धर्मानुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन वेदों एवं पुराणों के वेत्ता वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज के ही दिन व्यास जी महाराज का प्राकट्य इस धरा पर हुआ था। और व्यास जी महाराज जिन्होंने वेदों का भाग किया, 18 पुराणों की रचना किया, यह पौराणिक काल से ही इस गुरुकुल परंपरा की बड़ी विशिष्टता है। आज के दिन सभी शिष्य अपने गुरु महाराज का पूजन अर्चना आदि करते हैं, किंतु हमारे भागवत प्रवाह एक ऐसा समूह है।